गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को, जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। सचमुच मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जब डबल इंजन सरकार की कार्य पद्धति को स्वर्गीय रविंद्र किशोर साई जी की आत्मा कहीं से देख रही होगी, वह प्रफुल्लित होती होगी कि इसी के लिए हमने साधना की थी, इसी के लिए हमने तपस्या की थी कि सरकार आएगी, गांव की सुध लेगी, सरकार आएगी, किसानों के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, नौजवानों के उत्थान के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, महिलाओं के कल्याण के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, अपने विरासत को पुनर्स्थापित करने की कार्य करेगी, मान पितरों की पुनर्स्थापना का कार्य होगा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण इसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महापुरुषों की आत्मा जहां कहीं से भी देख रही होगी, प्रफुल्लित हो रही होगी कि हमने जो साधना की थी उस साधना का परिणाम है कि आज एक एक संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करिए, कवि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक सपना देखा था, एक संकल्प लिया था उस सपने को पूरा करने के लिए कि एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आजादी के बाद तमाम सरकारें आई गई, पर संकल्प ज्यों का त्यों रहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार ने संकल्प लिया कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान की व्यवस्था सदैव के लिए समाप्त करके भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है, यही तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है कि गरीब घर में पैदा हुए रामचंद्र विद्यार्थी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण यह देश करना है या प्रदेश करना है, उनका स्मारक देवरिया में भव्य रूप से बनकर के तैयार हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले इन क्रांतिकारियों को, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पुण्य स्मरण कर सके, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। और आज का यह पुण्य अवसर हम सबके लिए है जो पत्थर देवा में आकर के